ये लेडी इतनी मोटी कैसे हो गई? अपने आप नहीं हुई, एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक ऐसा इंसान जो बस कीड़े खाता है, लेकिन क्यों? इसके पीछे एक कारण है। और आपने कभी पॉपकॉर्न को चलते हुए देखा है? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, ये है यूएसए की रहने वाली 53 साल की डोना सिम्पसन, और इनका वेट है 270 kg। और इससे पहले कि आप इस लेडी पर दया करना शुरू करें कि यार इतना वेट कैसे हो गया बेचारे का, दया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेडी चाहती है कि इसका वेट और ज्यादा बढ़े। और अपने वेट को बढ़ाने के लिए ये भर भर के जंक फूड खाती है। इनका टारगेट है कि इनका वेट 270 kg से 450 kg होना चाहिए, और इसी चीज के लिए ये महीने का 55,000 रुपए केवल खाने में लगाती है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इनकी अपनी एक साइट है जहाँ पर ये खाना खाती है, और लोग इन्हें खाना खाते हुए देखने के लिए पैसे देते हैं। बहुत ही बढ़िया। फैक्ट नंबर 9, ये है यूएसए के रहने वाले पीटन बिकर्टन। इनकी खास बात ये है कि ये केवल कीड़े खाते हैं और कुछ नहीं खाते, और ऐसा वो किसी शर्त वर्त की वजह से, कोई पैसे के लिए नहीं करते, वो करते हैं अपनी हेल्थ की वजह से। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि पीटर के दो अंकल हार्ट अटैक से मर गए। फिर पीटर ने ये रियलाइज किया कि उनकी फैमिली में दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और उसको भी दिल की बीमारी हो सकती है, उसको भी हार्ट अटैक आ सकता है। फिर पीटर ने बहुत पढ़ाई करके ये जाना कि अगर हम कीड़े खाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कीड़ों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जो बेकार फैट्स होते हैं जिनसे दिल की बीमारी हो सकती है, वो फैट्स कीड़ों में नहीं होते। और कीड़ों में बाकी मीट्स के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आयरन होता है। और ये सारी बातें जानने के बाद पीटर आज की तारीख में हजारों कीड़े खाते हैं, और उनका कहना है कि वो जितना फिट आज महसूस करते हैं इतना वो पहले कभी नहीं करते थे। फैक्ट नंबर 8, पहली नजर पे देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पॉपकॉर्न चल रहा है, लेकिन असलियत में ये फ्लैंटोवर नाम के कीड़े के बच्चे होते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या कोई चूहों से इतनी नफरत कर सकता है कि उन्हें गोली मार दे? ऐसे ही हुआ था। बात है साल 1882 की। तब यूएसए में एक बंदा था जेम्स विलियम्स नाम का। उसने चूहों को पकड़ने का एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जैसे ही चूहा खाना शुरू करे वैसे ही गोली लग जाए चूहे को और वहीं मर जाए। लेकिन ये सामान बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि यार एक चूहे को मारने के लिए एक गोली बहुत महंगा सौदा नहीं हो गया ये। फैक्ट नंबर 6, जब भी चीलों के एक साइड के पंखों के बाल झड़ने लगते हैं तो ईगल क्या करता है? अगर कुछ नहीं किया तो उड़ने के बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए चील क्या करती है कि अपने दूसरे पंखों से अपनी चोंच से एक्स्ट्रा बालों को निकाल देती है ताकि दोनों साइड के बाल इक्वल हो जाए और फिर वो सही बैलेंस से उड़ सके। फैक्ट नंबर 5, हम सब कुत्ते बिल्ली पालना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोग रुक जाते हैं क्योंकि पेट्स पालने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिलीपींस में एक कैफे है जिसका नाम है वैगिंग टेल्स कैफे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो और आपको काम फील करना है, रिलैक्स फील करना है, तो आप इस रेस्टोरेंट में जा सकते हो। यहाँ पर 20 से ज्यादा कुत्ते आपके साथ खेलेंगे और इसके लिए आपसे एक घंटे का बस 400 रुपए लेंगे। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपको यूएसए की जो सीक्रेट मिसाइल्स हैं उनका पासवर्ड बता दूं तो क्या आप विश्वास करोगे? देखो, बात है कोल्ड वॉर की। तब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में बहुत ज्यादा शक था। दोनों देशों को लगता था कि दूसरा देश हम पर हमला कर सकता है कभी भी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने अपनी सारी मिसाइल्स को रशिया की तरफ करके बिल्कुल रेडी रखा हुआ था। और इमरजेंसी के टाइम पर जो पासवर्ड है वो जितना जल्दी जल्दी डालेंगे उतनी ही जल्दी मिसाइल्स को लॉन्च कर पाएंगे। और इसीलिए यूएसए ने 20 सालों तक जो पासवर्ड रखा था वो था 0000000, यानी 8 बार 0। फैक्ट नंबर 3, देखो, दुनिया भर की सरकारें जो भी कानून बनाती हैं, क्या लगता है वो जनता के लिए बनाती हैं? नहीं, वो बनाती हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने कॉर्पोरेट दोस्तों के लिए। दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में ऐसा ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो सरकारें होती हैं वो जनता के लिए काम क्यों नहीं करती? वो अपने दोस्तों को और अमीर बनाने के लिए क्यों काम करती हैं? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर वो दोस्त ही पैसा देता है, ठीक है? तो जहां से पैसा आ रहा है सेवा भी वहीं की जाएगी। और फिर जो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए लॉस बनाए जाते हैं, फिर होते हैं प्रोटेस्ट, जो कि हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। जितनी भी आप सुख सुविधाएं, शांति इमेजिन कर सकते हैं, सब की सब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? कि यहाँ के लोगों की लाइफ में कोई चैलेंज बचा ही नहीं है, कुछ करने को है ही नहीं। और फिर जब दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार सब कुछ तो पा लिया, अब क्या करूं मैं, तो फिर इंसान के डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और उसके बाद होते हैं सुसाइड्स। और यही वजह है कि तीनों देश इतने ज्यादा समृद्ध होने के बावजूद
बावजूद भी इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं। फैक्ट नंबर वन, इंसान और दुनिया भर के जानवर अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सेक्स करते हैं ताकि और बच्चे पैदा हो और जानवर पैदा हो और हमारी जो स्पीसीज है, हमारी जो सभ्यता है वो आगे बढ़े। लेकिन पेड़ भी तो जिंदा होते हैं, तो पेड़ अपनी स्पीसीज को आगे कैसे बढ़ाते हैं? वो इसके लिए इंसानों का यूज करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो पेड़ अपनी स्पीसीज को आगे ले जाने के लिए फ्रूट्स पैदा करते हैं और पेड़ को पता है कि ये फ्रूट्स कौन खाएगा, इंसान खाएगा। और फिर इसका होता यह है कि जो इंसान है उस पेड़ से बहुत दूर होने के बावजूद भी फ्रूट्स को खाता है और गुठली को ऐसे फेंक देते हैं और वो गुठली फिर नई स्पीसीज को जिंदा करती है, फिर उस पेड़ की स्पीसीज को आगे लेकर जाती है। तो ऐसे ही जो पेड़ है वो अपनी संतानों को अपने से हजारों किलोमीटर दूर भेजते हैं। क्या आपने इस एंगल से पहले कभी सोचा था? कमेंट्स में बताना। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।